नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी कंगाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप चलिए रुख करेंगे खबरें धुआंधार। नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, पुलिस ने मारपीट करने में से दो लोगों को किया गिरफ्तार। सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। कानपुर में ग्राम प्रधान उसके पति और लेखपाल से परेशान होकर तीन महिलाओं और युवक ने किया आत्महत्या और लेखपाल पर जमीन की गलत नाप का लगाया था। फरुखाबाद में शातिर महिला चोरों ने किया हाथ साफ, ज्वेलरी शॉप से चुराए गहने, चोरी का वीडियो वायरल, जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में पुलिस पर दबाव बनाने को लेकर थाने में लोगों का जमकर हंगामा, दो पक्षों में मारपीट के बाद मुकदमे को लेकर हंगामा। हाथरस में विदाई कार्यक्रम में क्लास टीचर के लिए फूट फूट कर रोए छात्र, भावुक टीचर ने काफी समझा बुझाकर बच्चों को स्कूल से विदा। प्रयागराज शूटआउट केस से जुड़ा वीडियो आया है सामने, पेशी के दौरान अशरफ से परिवार के सदस्यों का वीडियो आया है सामने, लखनऊ का बताया जा रहा है ये वीडियो। वीडियो में अतीक का साला सद्दाम और बेटा सद दिखाई दे रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में बारिश, ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति पर एक्शन में सीएम, तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को अनुदान राहत देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 24 घंटे में आसमानी आफत से 7 लोगों की गई जान। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले का आरोपी समर सिंह और बैंकॉक जाने की वो तैयारी में लगा हुआ है, फिराक में लगा हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी, समर को भागने में मदद कर रहा है मैनेजर अफसर। आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी पुलिस को दिया है समर सिंह का पासपोर्ट। अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद मेरठ से गिरफ्तार, अतीक के बहनोई पर उमेश कांड में आरोपियों की मदद करने का आरोप, एसटीएफ अब प्रयागराज में अखलाक से पूछताछ करेगी। एसटीएफ ने अतीक के एक नौकर की को हिरासत में लिया है, कौशाम्बी से हिरासत में लिया गया अतीक का नौकर शाहरुख। नौकर पर शूटर अरमान को के भाई को 50,000 रुपए पहुंचाने का आरोप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अखिलेश के बयान पर किया पलटवार, कहा सपा से ही ये माफिया और अपराधियों को शह देने का काम करती आई है सपा। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक, बैठक में मायावती के सामने बसपा के नेताओं ने किया प्रेजेंटेशन। इटावा में निकाय चुनाव की तैयारियों पर बोले रामगोपाल यादव, उम्मीदवारों के चयन का काम तेज, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी सपा, निकाय चुनाव में सपा की अप्रत्याशित जीत होगी। आगरा में दो दिवसीय बायर सेलर मीट का उद्घाटन, बागवानी फसलों पर अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट का आयोजन है, प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मीट में देश भर के 70 बायर ले रहे हैं। उन्नाव में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक, आग में मवेशी भी झुलसे। कानपुर में चाय बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग, जलते हुए सिलेंडर को महिला ने सड़क पर फेंका, सजेती थाना क्षेत्र के कैथा गांव का मामला। रायबरेली में अराजक तत्वों ने गौशाला में रखे पुआल में लगाई आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, मलेरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गौशाला की। आगरा में विद्युत लाइन की चिंगारी से खेतों में लगी आग, 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक, पीड़ित किसान ने की मुआवजे की मांग, फतेहाबाद के गांव जरारी का मामला। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की हुई मौत, दिल्ली में रहकर करते थे काम, सांडी इलाके की घटना। आगरा में नहर में गिरी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रैली और ईंटों के नीचे दब गए 6 लोग और एक की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर। कानपुर में जूस की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान, बाल बाल बचा, टला बड़ा हादसा। मेरठ में सड़क किनारे गुमटी से में घुसा एक तेज रफ्तार कार, गुमटी पर लगा बास, कार का शीशा तोड़कर हुआ आर पार, कार चालकों की जानकारी जुटाने में जुटी है पुलिस। करनाल हाईवे के पहोली गांव का मामला। संभल में बस पलटने से 7 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक, अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर, आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ था हादसा, दिल्ली बदायूं हाईवे की घटना।
अमेठी में गोमती नदी में नहाने गई 8 वर्षीय बच्ची, नदी में डूबी। सूचना पर पहुंची पुलिस, गोताखोरों के मदद से बच्ची की तलाश में जुटी है। मुसाफर खाना कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिजनौर में सड़क किनारे खड़ी कार में बच्ची हुई लॉक, घंटों बाद कार मैकेनिक ने बच्ची को सुरक्षित निकाला बाहर। थाना नगीना के मुनसफी पोर्ट रोड का मामला। सहारनपुर में बिजली की सप्लाई ठीक करते समय करंट की चपेट में आया लाइनमैन और हादसे में लाइनमैन की हुई मौत। परिजनों ने बिजली घर पर लापरवाही का लगाया। कानपुर में ट्रेलर और डंपर में जोरदार टक्कर, टक्कर के बाद ट्रेलर और डंपर में लगी भीषण आग। दोनों वाहन में लगी आग ने लिया विकराल रूप। बर्रा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने महिला से चेन लूट का किया प्रयास और चलती बाइक पर महिला की चेन पकड़कर खींची, बाइक से फिसल कर महिला रोड पर गिरने से घायल। आजमगढ़ में माफिया कुंतित सिंह की कुर्की की गई, जमीन की 3 बार बिक्री हुई। मामला उजागर होने पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर देहात पुलिस का ऑपरेशन जागते रहो फेल और पिछले 24 घंटे में 4 लाख की चोरी ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल। गाजीपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्कर सरफराज पर कसा शिकंजा, करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। सोनभद्र में पत्नी ने शराब पीने से मना किया, पति ने लाठी डंडे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति फरार, पुलिस पर कर रही है तलाश। कानपुर में एक महिला की झोपड़ी पर गिरे ईंट पत्थर, महिला घायल। महिला ने इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज करवाया था आगजनी का मामला। नैनीताल झील में मिला अज्ञात का शव, कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने झील से निकाला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ऑनलाइन ठगी मामले में सीतापुर पुलिस ने 2 नाइजीरियन युवक गिरफ्तार किए हैं। उनके कब्जे से 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, सोने की चेन समेत एक कार हुई बरामद। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश पैर में लगी गोली से लगने से घायल। बदमाशों के पास से बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के मामले में फैक्ट्री संचालक राजकुमार गिरफ्तार। आरोपी राजकुमार के साथ प्रशांत और भाई प्रमोद को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। केमिकल से पेंट बनाने का काम करता था राजकुमार। मथुरा में गोविंद कुंड में तैरता हुआ मिला युवती का शव और मृतक युवती के हाथ पैर बंधे हुए थे। शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। गोंडा में अवैध असलाह के बल पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की, सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर लूटा सोना चांदी। वहीं गोली लगने से घायल हुआ व्यापारी। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के हुजूरपुर के पास का मामला। लखनऊ में दुपहिया वाहन से गोमती नदी पहुंचा युवक ने नदी में लगाई छलांग। युवक की नदी में गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। पुलिस ने युवक का फोन और बाइक कब्जे में। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, गोलीबारी में बदमाश के पैर में लगी गोली और मुठभेड़ में 25,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार। रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के भगत चौराहा का मामला। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना करहल के किरथुआ गांव के पास हुई मुठभेड़। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़, पशु तस्करों के पैर में लगी गोली और पुलिस का एक सिपाही भी मुठभेड़ में हुआ घायल। दोनों अस्पताल में भर्ती। पेड़ पकड़े गए तस्कर पर पहले से 9 मुकदमे दर्ज। इटावा में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 12 अन्य बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना भरथना इलाके के बाहरपुरा नहल पुल का मामला। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह की कुर्क जमीन की 3 बार हुई रजिस्ट्री। कुर्क की गई जमीन को बेचकर माफिया फरार, कुंटू सिंह समेत 3 बेनामी दारों के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अजय राय ने सभी कार्यकर्ताओं का हालचाल लेते हुए कहा, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा। रुड़की में नवनियुक्त कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गुटबाजी को खत्म कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, संगठन में बिखराव और खींचतांश खत्म करेंगे और अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर रोडवेज बस खाई में गिरी, बस में सवार एक महिला और एक युवती की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। मसूरी पुलिस और फायर सर्विस ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू। में मैक्स और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 11 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पोहनिया टोल प्लाजा के पास की घटना।
किसानों की बर्बाद फसल का डीएम ने प्रशासन की टीम के साथ किया निरीक्षण। खेत में जाकर किसानों से बात करके बरसात से हुए नुकसान का लिया जायजा। हल्द्वानी में बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। मौसम बिगड़ने के साथ किसानों की बड़ी दिक्कतें। किसानों की खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों के सामने मंडराया रोजी रोटी का संकट। उत्तरकाशी में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की योजना। झील में बोट संचालन कराएगी सरकार। झील संचालन से युवाओं को मिलेगा रोजगार। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। नैनीताल में लगातार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर धूप खिलने से लोगों के खिले चेहरे और धूप के बाद भी तापमान गिरावट। पर्यटक मौसम का मजा ले रहे। पौड़ी में पैठाणी बाजार का अस्तित्व खतरे में है। लोक निर्माण विभाग ने पैठाणी के व्यापारियों को भेजा नोटिस। जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी। व्यापारियों ने नोटिस का विरोध जताया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है असर। केदारनाथ धाम में अभी तक नहीं शुरू हो पाए हैं पुनर्निर्माण के काम। हाथरस के रहने वाले सीआईएसएफ जवान की असम में संदिग्ध मौत। पैतृक गांव में हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। आला अधिकारियों ने परिजनों को दी सांत्वना। लखीमपुरखीरी में उद्योग व्यापार संगठन सम्मेलन आयोजित। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने की शिरकत। मऊ में करीब 24 लोगों ने फिर थामा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन। घोसी में आयोजित कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने ली शपथ। लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट से युवक ने नदी में लगाई छलांग। फेसबुक पर लाइव आकर युवक नदी में कूदा। अब तक नहीं लग पाया युवक का पता। मऊ में पुलिस ने गाड़ियों से काली फिल्म हटाई और विधायक की गाड़ी से भी हटवाई गई काली फिल्म। शहर कोतवाली के गाजीपुर तिरोहे का चलाया गया अभियान। शाहजहांपुर में जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने का की पहल। जेल में 48 कैदी इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए रहे थे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर काशी में आक्रोश। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूका पुतला। कार्यकर्ताओं ने की ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग। झांसी में किसानों की खड़ी फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड के ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। आग लगने से किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में जमीन की पैमाइश न होने से परेशान है किसान। साथ ही हाथ की नसें काट कर किसान पहुंचा तहसील दिवस और हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मोदी नगर के डिडौली गांव का मामला। लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी कैंपस की कैंटीन में एफएसडीए का छापा। एफएसडीए ने कैंटीन में चाय के साथ कई नमूने इकट्ठा किए। बीबीडी की कई छात्राएं फूड पॉइजनिंग का हुई शिकार। अमरोहा में शराब के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। पुलिस ने बमुश्किल प्रदर्शन कर रही महिलाओं को शांत कराया। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलीमपुर गुसाई का मामला। कानपुर के कृष्णा नगर इलाके में शराब की दुकान का विरोध। क्षेत्रीय लोगों ने किया प्रदर्शन। शराब की दुकान के चलते सड़क से गली तक लगी रही भीड़। कानपुर के पनकी इलाके में देशी शराब ठेके की बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन और नशेबाजों से तंग। महिलाओं ने ठेके से ताला लगाया और रतनपुर की आवासीय कॉलोनी में संचालित हो रहा था शराब ठेका। आगरा में गंगाजल को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। हाथ में बाल्टी लेकर की नारेबाजी। गंगाजल को लेकर क्षेत्रीय निवासी लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। आगरा मेट्रो परियोजनाओं के नाम में लगे मजदूरों को पिछले 2 महीने से नहीं मिली है सैलरी और प्रोजेक्ट मैनेजर पर लगाया है वसूली का आरोप। थाना हरी पर्वत में तहरीर देकर करवाई थी मांग। अयोध्या में आयोजित हुआ अनोखा 13वीं संस्कार। बंदर के 13वीं संस्कार में अखंड रामायण पाठ और शांति भोज का आयोजन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में वाराणसी सबसे पहले नंबर पर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में वाराणसी देश के 15 जिलों में सबसे ऊपर। भोपाल से आगरा पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन में की गई पुष्प वर्षा। ढोल नगाड़े भी बजाए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत कई नेता और विधायक मौजूद। वंदे भारत एक्सप्रेस का ललितपुर स्टेशन पर जनप्रतिनिधि से लेकर बच्चों और लोगों ने किया भव्य स्वागत। इसी मौके पर ट्रेन के स्वागत में बच्ची ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। एटा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण को हटाया। रोडवेज बस स्टैंड पर चलाया गया अभियान। अवैध टैक्सी स्टैंड को भी हटाया गया।
सोनभद्र की साधन सहकारी समिति में जमकर बवाल हुआ। मतदान के परिणाम के वक्त एसडीएम ने रद्द किया था चुनाव। प्रशासन पर सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव रद्द करने का। शामली में गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का सिलसिला जारी। पुलिस ने कुर्क की गैंगस्टर के आरोपी सुरेश चंद्र शुक्ला की 23 लाख की से ज्यादा की संपत्ति और अपने 3 बेटों के साथ लोगों से ठगी का आरोप। नोएडा में वसूली करने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवेंद्र नाम का आरोपी 5 लाख रुपए की मांग रहा था रंगदारी। एक बिजनेसमैन से मांगी थी रकम, 50,000 रुपए की टोकन मनी ले चुका था। बिजनौर में पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के सांप की तस्करी करने वालों को किया गिरफ्तार। 3 तस्करों के पास से 2 रेड सैंड बोआ प्रजाति के सांप बरामद। वन विभाग की टीम ने 3 तस्करों को भेजा जेल। पर्यटन की संभावनाओं को लेकर ललितपुर दौरे पर रहे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा। ताल बेहट में राजा मर्दन सिंह के किले को देखा। माता टीला बांध भी देखने पहुंचे मुख्य सचिव। मानहानि केस में सजा के खिलाफ कल ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करेंगे राहुल गांधी। सूरत सेशन कोर्ट जाकर दाखिल करेंगे अपील। सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। इसरो की एक और उपलब्धि, रियूजेबल लॉन्च विकर RLV लेक्स को ATR से किया संचालित। 2016 में हुई थी मिशन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में राजू झा नाम के कोल माफिया की हत्या। राजू झा पर थे कई संगीन आरोप। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी का बयान, हावड़ा हिंसा में अब तक 38 लोग गिरफ्तार। हालात सामान्य, पुलिस पेट्रोलिंग जारी। अफवाह फैलने से रोकने का मैकेनिज्म एक्शन। नालंदा के पहाड़पुरा इलाके में फिर हिंसा। दो पक्षों के बीच कल भी हुई फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस पर तनाव। सासाराम के शेरगंज इलाके के एक घर में धमाका। धमाके में 5 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। आधी रात को DIG समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। दिल्ली में बदमाशों ने एक वकील की सरेआम की हत्या। द्वारका इलाके में गोली मारकर की ली जान और मणिपाल अस्पताल के पास अंजाम दी वारदात को। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। हर दिन मामलों में 40% का उछाल। भारत को लेकर WHO का बड़ा अलर्ट। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।